नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपआईएस में। दोस्तों, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग देखे आ चुके हैं, बहुत ही शानदार पेपर रहा है। दोस्तों, पेपर की कट ऑफ सीधे सीधे जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं बताना चाहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा आ रही है उसके लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के शॉर्ट वीडियोज़ में एकदम समीक्षा सीरीज़ और बहुत सारी सीरीज़ के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का कोर्स जो है यूपीएससी का हम क्वालिफाई कराएंगे आपको। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, आप जो एमपीपीएससी का प्री क्वालिफाई कर चुके हैं लग रहा होगा ये कट ऑफ देखने के बाद, तो वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। इसके लिए हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो होती है बेसिकली तीन चीज़ों पर डिपेंड होती है। वो क्या है? नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, और एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। दोस्तों, एमपीपीएससी की ओवरऑल कट ऑफ की जब हम बात करते हैं, ये इसमें जो है कई फैक्टर्स जो है मायने रखते हैं कि क्यों जो है कट ऑफ जो है वेरी करेगी। जैसे कि जो फैक्टर्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और कितनी वैकेंसी टोटल हैं, और इसके अलावा जो है कैंडिडेट को जो है ओवरऑल कट ऑफ में लगभग जो पिछले साल से है ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो है कट ऑफ जो है लगातार बढ़ती जाती है। तो आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 2018 की कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व्ड मेल और फीमेल की 138 कट ऑफ गई थी। अनरिजर्व्ड फीमेल की गई थी 128, एससी की गई थी मेल फीमेल की 126, एससी फीमेल की गई थी 122, एसटी की गई थी 118, फीमेल की गई थी 114, ओबीसी की गई थी 134, और ओबीसी फीमेल की गई थी 132। सभी कैटेगरी वाइज देखिए कि पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी। ओएच की गई थी 118, फीमेल की गई थी 118, वीएच इसकी गई थी 118, फीमेल की 118, एचएच की 100 गई थी, फीमेल की 102, एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है उसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में गई थी 82, एससी में गई थी 60, एसटी में गई थी अभी जो है एप्लीकेबल नहीं दिया था उस टाइम आयोग ने, ओबीसी जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं थी। तो 17 की कट ऑफ देख लीजिए जल्दी से। 17 की कट ऑफ में जब हम बात करते हैं तो वो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुई 2016 से। मैं आपको पीछे करते जा रहा हूँ, 3 साल की लगातार हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज की कट ऑफ देखेंगे इसके आधार पे। अनरिजर्व्ड मेल की जो थी 138 थी, इसके अलावा देखिए अनरिजर्व्ड फीमेल की 126, एससी मेल प्लस फीमेल की 122, एससी फीमेल की 110, एसटी की जो थी दोस्तों 110 थी, फीमेल की 100 थी, वहीं ओबीसी मेल फीमेल की जो 132 थी, ओबीसी की जो है 118, पीएच की जो है अभी इसमें वो जो है फिजिकली हैंडीकैप की जो थी वो टोटल जो कट ऑफ थी वो बहुत कम गई थी, वहीं ओएच की मेल फीमेल की गई थी 118, वहीं फीमेल की गई थी 118। तो दोस्तों, जो अगली देखिए कि वीएच की जो है मेल प्लस फीमेल गई थी 92, वहीं फीमेल की गई थी 92, एचएच मेल प्लस फीमेल की गई थी 60, फीमेल की 62, एक्स सर्विसमैन जो गई थी उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 80, एससी में गई थी 60, वहीं एसटी में 62, और ओबीसी में जो गई थी वो 60 थी। तो इसके अलावा 2016 की आज की कट ऑफ देख लेते हैं। अनरिजर्व मेल की जब हम बात करते हैं 162, अनरिजर्व फीमेल की 156, एससी की जो है 152, एसटी की जो है टोटल गई थी 140, एसटी फीमेल की 134, ओबीसी मेल की 158, ओबीसी फीमेल की जो है 150, अनरिजर्व्ड एचएच मेल की गई थी 138, वहीं 142 गई थी आपकी पूरी जो है फीमेल की, ओबीसी एचएच मेल की गई थी 142 गई थी, वहीं ओबीसी फीमेल की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये गई थी लगभग 150, वहीं जो है एचएच यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में एचएच मेल की 138। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कट ऑफ का बेसिक दायरा है वो 132 से लेके 140 के लगभग जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप जो है 70 से 80 क्वेश्चन यानी कि 85 से 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो दोस्तों आप क्वालिफाई कर रहे हैं एग्ज़ाम यूपीपीसीएस और यूपीएससी सभी के लिए। जो है अगर आपने समीक्षा सीरीज़ देखी होती ना, तो क्वालिटी और जितने भी जो है आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम इस सीरीज़ के माध्यम से जो है आपके लिए लगातार जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी यूपीएससी पूछ रही है उनको लेके आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है, देखिए इतनी बड़ी टीम है, संजय सिंह सर हैं,
चंदन कुमार जी हैं जो बीपीएससी टॉपर है, संजय सिंह सर जो 2015 में दैनिक से, और इतने सारे प्रोफेसर हैं हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आज की कट ऑफ की जो है वीडियो डिटेल्ड में अभी अगली वीडियो में आपको दे रहा हूँ, और इसके अलावा पेपर का पूरा एनालिसिस दे रहा हूँ दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है हमने पिछले सालों की जितनी भी कट ऑफ है उनको पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया है। तो इस आधार पर हम एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 132 से लेके 140 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं, यानी कि 60 से लेके 70 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप 70 प्लस हैं जनरल में तो आप क्वालिफाई करेंगे, अगर 60 प्लस हैं अदर कैटेगरीज में तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए इतने इंपॉर्टेंट सीरीज़ डेली मेंस आंसर राइटिंग और ये जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और प्रीलिम्स ये हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है। एमपीपीएससी तो हो गया मगर यूपीएससी को टारगेट कीजिए, अगर आईएएस बनेंगे तो ज़रूर ज़्यादा आपकी पूछ होगी, क्योंकि एक आईएएस जिलाधिकारी होता है। तो डेली मेंस आंसर राइटिंग आप जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को आप अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको हमारी हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, हमें आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए, आप आईएएस के साथ इतनी अनुभवी टीम है तो आप लोग जुड़िए आप आईएएस टीम के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।